नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर अंजना गुप्ता, मेडविन हॉस्पिटल, वाराणसी। 3-4 महीने से हमारा हॉस्पिटल कोरोना के लिए अनुबंधित हुआ है सरकार से, और यहाँ हम L1, L2, L3 तीनों सुविधाएं दे रहे हैं। इस कोरोना काल में हम लोगों ने कई प्रेगनेंसी की पेशेंट्स का, जो कि कोरोना से ग्रस्त हो गई थी, उनका इलाज भी किया है। देश में एक फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, पर अभी ठंड के कारण सेकेंड वेव आने का, जो कि दिल्ली, महाराष्ट्र और इन सभी जगह पर कोरोना के काफ़ी मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो वाराणसी में भी बहुत तेज़ी से, क्योंकि लोगों ने बहुत सरकार के जो नियम थे उनका बहुत अच्छे ढंग से पालन नहीं किया है, तो हो सकता है कि इधर हमारे ठंड में कोरोना के और पेशेंट बढ़े। मैं प्रेगनेंसी के बारे में लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारा सिस्टम जो होता है पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, और अगर उस समय कोई इन्फेक्शन हो, कोरोना या कोई भी इन्फेक्शन हो, तो वो और भी गंभीर होने की संभावना होती है। तो इस टाइम हर प्रेग्नेंट पेशेंट को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। कम से कम घर से निकलें तो प्रॉपर मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। तो प्रेगनेंसी के समय हम सब गर्भवती महिलाओं को ये सलाह देते हैं कि अच्छा से अच्छा खाना खाएं, मिल्क, दूध पिएं, ड्राई फ्रूट्स में जैसे खजूर है, उसमें बहुत हाई प्रोटीन होती है, अंजीर है, खजूर है, बादाम है, अखरोट है, ये सब खाएं, दूध पिएं, दलिया है, जो भी हम दाल है अच्छे अमाउंट में लें कि हम प्रॉपर डाइट बैलेंस कर सकें। और विटामिन सी बढ़ाने के लिए हमें रोज़ नींबू, 2-3 नींबू का सेवन करें। विटामिन आंवला खा सकते हैं, आंवला कैंडी आती है, ये सब खा सकते हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता भी है तो हम उससे लड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, गहन चिकित्सा विशेषज्ञ, मेडविन हॉस्पिटल, मैदागिन, वाराणसी। पूरे विश्व में पुनः कोरोना का द्वितीय प्रहार शुरू हो चुका है। जिन जिन कॉन्टिनेंट में, देश में ठंड अभी पड़ना शुरू हो गई है, वहाँ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमारे देश भारत में भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसका कहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और यह देखने में आ रहा है कि ठंड की वजह से, ठंड अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है श्वास के रोगियों के लिए, श्वास संबंधी समस्याओं को उठाने के लिए, और उसके साथ कोरोना मिलकर के दोनों 1 और 1 11 की तरह साबित हो रहे हैं। और यह स्थिति जो अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में रही है, उससे कहीं ज़्यादा भयावह होगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, ऐसा लग रहा है हम सभी लोगों को। तो इस दिशा में सरकार पुनः बहुत भारी स्तर पर कदम उठा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें अपना योगदान पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ चढ़ करके देने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही जनता को भी काफ़ी सजग होना पड़ेगा पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा, क्योंकि अभी पिछले 2 महीनों में जो देखने में आया कि कोरोना के मरीजों की संख्या तो बहुत तेज़ी से कम हुई, लेकिन उनकी मॉर्टैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो मॉर्टैलिटी पहले 5,000 मरीजों में हुआ करती थी, एक मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, वही मॉर्टैलिटी आज 1,000-1,500 पेशेंट में भी हो रही है। तो मरीज तो कम हुए हैं, लेकिन उसकी आक्रामक क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में हमें पहले से भी अधिक सावधानियों की बहुत ज़रूरत है बरतने की, और सुरक्षा के उपायों को लेने की। मेडविन हॉस्पिटल संभवतः पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल था, जहां L1, L2, L3 स्तर के सारे रोगियों को की सेवा के लिए सरकार ने हमें मान्यता प्रदान की, और हम लोगों को लगभग 3 महीने के आसपास में काम करने का अवसर मिला। और इस दौरान हमारे यहाँ जो पेशेंट ठीक हो कर के गए, उनकी संख्या लगभग 94% से भी ज़्यादा रही है, और हम लोगों के यहाँ उसमें से भी मोर देन 70% सारे गंभीर अवस्था में रोगी आए।
जो भी हमारे पास उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं हैं वाराणसी के स्तर पे, उसमें हम लोग पूरी तरह से लग कर के मरीजों को उनका घरेलू एहसास दिलाते हुए, उनका एक घर का एक सदस्य बनकर के करते हुए हम लोगों ने उनको सुविधाएं प्रदान की हैं। और अब तो और भी अच्छी सुविधाओं के साथ पुनः हम लोगों ने दोबारा जो दूसरी चरण का जो महायुद्ध होने जा रहा है उसमें अपनी कमर कस चुके हैं। और मेडविन हॉस्पिटल नए कलेवर के साथ इस द्वितीय कोरोना कहर को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अभी पिछले दो दिनों में काफ़ी संख्या में तेज़ी से मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो हम पहले से भी बेहतर अब सुविधाएं देने के लिए अब प्रस्तुत हैं। उसका रीज़न यह है कि अब हमारे पास सैकड़ों मरीजों के सफल इलाज का एक स्वर्णिम अवसर अनुभव है। उस अनुभव को के साथ में और अपनी जो कमियां थी या जो उसमें हम लोग और बेहतर करना चाहते थे, अब और भी बेहतर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोरोना तो जून से क्या उसे पहले से शुरू हो गया था, और लेकिन उस समय जो वातावरण गर्म का था, अब ये ठंड आ रहा है। तो जहां तक अगर टेम्परेचर का सवाल करें तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल कोरोना वायरस के सर्वाइवल पर है, ऐसा देखा जा रहा है। जहां गर्मी उसके लिए बाधक थी, उसी तरीके से उसके ठीक विपरीत ठंड कोरोना के लिए बहुत सहायक होगी। पहले क्या था कि कोरोना में हम लोग गर्मी में हम लोग खिड़कियाँ खोल के रहते थे, पंखा चलाते थे, एसी चलाते थे और एग्जॉस्ट चलाते थे ताकि अपने कमरे की हवा इकट्ठा हुई है, हवा बाहर चली जाए और हमारे कमरे में कोरोना वायरस का लोड कम हो जाए। लेकिन खिड़कियाँ दरवाजे सारे बंद होंगे और एसी भी नहीं चलेगा, हम एक बंद इन्वायरमेंट में, बंद कंपार्टमेंट में रहेंगे, ऐसे में वायरल लोड जो होगा वह एकदम संरक्षित हो जाएगा उसका। प्लस जो हवाएँ ठंडी होंगी उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी होगी, हवाओं में नमी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी तो वायरस को एक तरह से व्हीकल मिलेगा तैरने के लिए। तो पहले तो गर्मियों में वायरस उड़ता था, अब ये तैरेगा, हवाओं में वायरस तैरेगा और वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि हम ही जैसे फॉग होता है, जब जहाँ जहाँ ठंड बढ़ती है फॉगिंग बढ़ने शुरू हो जाती है, धुंध बढ़ती है, तो उस धुंध में वायरस के लिए एक सूटेबल कैरियर होगा जो हमें और भी अच्छी तरीके से हाई लोड में हमको इन्फेक्ट करेगा, तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होगा। प्लस ठंड से श्वास रोगियों की संख्या और बढ़ जाती है, श्वास रोगियों का में दबा हुआ रोग और उभर जाता है। तो यह सब मिल करके आने वाली ठंड पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है, जिसके फलस्वरूप हमें और भी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर।